वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एमी ट्रिप्टलिन टैबलेट के बारे में। ये मानसिक रोग में या डिप्रेशन में दी जाती है दवा। इसके और भी दूसरे यूज होते हैं, तो इसी एमी ट्रिप्टलिन टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे काम करती है, किन किन बीमारियों में दी जाती है, कौन से साइड इफेक्ट आते हैं, क्या आपको सावधानी रखना है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। एमी ट्रिप्टलिन की बात करें तो ये एंटी डिप्रेशन दवाई है। टैबलेट के रूप में मार्केट में आपको मिलेगी, जो पॉपुलर ब्रांड नेम इंडिया में चलते हैं अगर उसकी बात करें। एमी ट्रिप्टलिन बेसिकली साल्ट है, जो नाम कॉमन इंडियन मार्केट में मिलेगा उसमें ट्रिप्टोमर बहुत कॉमन है, एमिटी है, एमिटोन है और एमिवेल, और ऐसे सैकड़ों नाम से आपको ये दवा मिल जाएगी, उसके अंदर एमी ट्रिप्टलिन होगा। यूज की बात करें तो सबसे जो प्रमुख यूज है डिप्रेशन है, अगर किसी को सीवियर डिप्रेशन है, उदासी है उस केस में, या तो किसी को नींद ना आ रही हो, घबराहट लग रही हो, इसके अलावा डर लग रहा हो, तो इस तरह की कंडीशन दी जाती है। और एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें आपके साथ या किसी के साथ बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ हो, जैसे कि कोई दुर्घटना हुई हो, उसके बाद जो स्ट्रेस होता है उसमें भी एमी ट्रिप्टलिन दी जा सकती है। तो ये तो डिप्रेशन वगैरह या मानसिक रोग से संबंधित जो कंडीशन होती है उसमें हो गया यूज। इसके अलावा ये माइग्रेन में दी जाती है, पर माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट यूज इसका ये भी है कि ये न्यूरोपैथी में काम आती है, मतलब जो नर्व के कारण जो पेन होता है उस पेन के इंटेंसिटी सिग्नल को ये कम करती है। इसलिए अगर डायबिटीज की वजह से किसी का नर्व खराब होती है, जैसे कि हाथ पांव में दर्द हो या शोल्डर पेन हो सकता है या पैर में भी हो सकता है, तो उसमें काम आती है। और फाइब्रोमायल्जिया कंडीशन होती है जिसमें हाथ पांव में या पूरे शरीर में दर्द होता है मांसपेशियों में, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये एमी ट्रिप्टलिन दवाई दी जाती है। कहने का मतलब है कि बहुत पॉपुलर है इंडिया में इस टैबलेट का यूज होना अलग अलग बीमारियों में, इसलिए तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ उस दवाई के बारे में। एमी ट्रिप्टलिन कैसे काम करती है शरीर में, इतनी सारी बीमारियों में कैसे यूज आती है, अगर इसकी बात करें तो ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट है और साथ में इसमें एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है और सेडेटिव प्रॉपर्टी भी है। क्या करती है ये दवा, लेने से आपके शरीर में सेरोटोनिन और नार इपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ता है, उससे आपका मूड अच्छा होता है, नींद आती है, और जो दर्द का एहसास है बेसिकली जो नर्व से ब्रेन की तरफ जो सिग्नल जाता है पेन का वो स्टाफ हो जाता है, इसलिए ये न्यूरोपैथी में काम आती है। तो बेसिकली ये सेरोटोनिन एंड नार इपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाती है, इससे ये दवा काम करती है। कैसे लेना है और कितने डोज में लेना, अगर इसकी बात करें तो मानसिक दवाई है, डोज की मैं बात करूं सबसे पहले आप ये जाने कि चूंकि अलग अलग बीमारियों में लिखी जाती है तो हर बीमारी की जो डोज होगी अलग होगी सीवियरिटी के हिसाब से और जो मरीज होता है उसकी उम्र के हिसाब से दी जाती है। तो ये जो दवा है इसको इसलिए अपने मन से तो कभी ना लें क्योंकि डॉक्टरी सलाह पे दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में यूज होती है इसलिए इसका डोज अलग अलग हो सकता है। इसलिए एमी ट्रिप्टलिन दवा जो अलग अलग मार्केट में ब्रांड नेम से मिलेगी उनमें अलग अलग स्ट्रेंथ की आपको मिलेगी, 10 मिलीग्राम की भी मिलेगी, 25 की मिलेगी, 50 की मिलेगी, 100 तक की मिल सकती है। तो इसकी जो रेंज है पर डे की, एक दिन की 10 मिलीग्राम से लेके 150 मिलीग्राम पर डे तक हो सकता है, डिवाइडेड डोज में चलती है, कई बार दिन में दो बार, कई बार एक बार और कई बार तीन बार, तो ऐसा भी ये हो सकता है। इसलिए ये दवा को अपने मन से या खुद से नहीं खरीद सकते, प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन में प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती है। डिप्रेशन में जो क्वांटिटी होती है ज़्यादा रहती है, न्यूरोपैथी में ये दवा थोड़ा कम डोज में भी काम कर जाती है। बहरहाल चूंकि ये दवा के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और साथ में दूसरी दवाइयों से ये इंटरेक्ट भी करती है, मतलब ये एमी ट्रिप्टलिन के साथ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नहीं दी जा सकती, इसलिए डॉक्टरी सलाह ज़रूरी है। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो ये साइड इफेक्ट जो मानसिक दवाइयाँ होती हैं कोई भी, उनके साइड इफेक्ट रिलेटिवली थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ही इस एमी ट्रिप्टलिन के भी काफ़ी तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। सारे मरीज में आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ मरीजों में आ सकते हैं, कुछ मरीजों में या कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, थोड़े दिन बाद शरीर एडजस्ट कर जाता है या चले जाते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें दवा को फिर बंद करना रहता है। तो ये एक ज़रूरी बात है कि आप साइड इफेक्ट जो होते हैं दवाई के उस पर जरूर आप ध्यान दें। सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो ये हार्ट प्रॉब्लम कराती है, बेसिकली हार्ट का जो कंडक्शन डिफेक्ट है भी ब्लॉक कराती है, ECG में चेंज कराती है। कहने का मतलब है कि हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक की संभावनाओं को बढ़ाती है। इसके अलावा झटके आ सकते हैं क्योंकि ये दवा लेने से जो सीजर का पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड है, वो कम हो जाता है। कुछ मरीजों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मतलब वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, स्पेशली जो यंग पेशेंट रहते हैं,
तो ये चीज भी नोट करने वाली रहती है। और कुछ मरीजों में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, स्पेशली तब जब लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, सडन खड़े होते हैं तो एकदम से चक्कर आ जाता है, क्योंकि उनका बीपी कम हो जाता है। तो ये कुछ बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट है जिसमें दवा आपको बंद ही करानी पड़ेगी। और कुछ जो और कॉमन साइड इफेक्ट हैं, जो ज्यादा कॉमन है लेकिन पेशेंट एडजस्ट कर जाता है समय के साथ, तो उसमें से चक्कर का आना या काफी ड्राउजी सा फील होना, हमेशा नींद का आना, कंफ्यूजन लगना, सिर में दर्द होना, इसके अलावा कब्ज लग सकती है, मुंह सूख सकता है। ये कब्ज लगना, मुंह सूखना, ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के कारण आता है। इसके अलावा वजन का बढ़ जाना, मानसिक दवाइयां ज्यादातर वजन बढ़ाती हैं, ऐसा काफी बार देखने को मिला है, तो ये भी दवा वजन बढ़ाती है। भूख ज्यादा लगती है, हमेशा नींद लगती है, इसके अलावा स्टफी नोज होता है, नाक का बंद होना। और भी इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो जाता है। बेसिकली मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और फीमेल में भी सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। ट्राइमर्स भी आते हैं, मतलब हाथ पांव का कांपना। और ऐसे लोग जिनको बीपीएच रहता है, प्रोस्टेट बढ़ा रहता है, उनकी पेशाब रुक सकती है, पेशाब रुकने से यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इतने तरह के अलग अलग साइड इफेक्ट हैं जिन पे हमें ध्यान देना रहता है। तो ये एमीट्रिप्टिलिन के साइड इफेक्ट की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एमीट्रिप्टिलिन जो दवा है, ये एमीट्रिप्टिलिन अगर आपको न्यूरोपैथी में दी जा रही हो या मांसपेशियों में हाथ पांव में दर्द हो या डिप्रेशन में दी जा रही हो तो असर कितने दिन में आएगा। तो ये इस तरह की कोई दवाई नहीं है, एंटीबायोटिक या कोई पेन किलर, आम पेन किलर जैसा असर नहीं है। ये दवा का असर आने में थोड़ा सा समय लगता है, 2 से 4 हफ्ते लग सकता है, मतलब 15 दिन से 1 महीने, 30 दिन आपको समय लग सकता है। ऐसा नहीं कि आपने दवा 2-4 दिन खाई फिर बंद कर दी, तो ये आप समझें। और ये भी कि ये दवा को आप सडन नहीं बंद कर सकते, जैसे आपने 2-3 महीने खाया फिर एकदम से बंद कर दिया बिना डॉक्टरी सलाह से। सडन बंद करेंगे तो इसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि विड्रावल सिम्टम्स आ गए। विड्रावल मतलब कि दवा बंद करते से जो लक्षण थे और ज्यादा लक्षण उभर के आ गए। तो उसमें नींद का ना आना, काफी तेज दर्द हो जाना, पेशेंट दोबारा से डिप्रेशन में जा सकता है, तो ये सब इसके विड्रावल सिम्टम्स आते हैं अगर कोई एमीट्रिप्टिलिन लेता है। इसलिए जरूरी रहता है कि डॉक्टरी सलाह से दवा ली जाए। अब इस एमीट्रिप्टिलिन से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो आप लोग पूछते हो या आप लोगों को जानना चाहिए। एक क्वेश्चन ये रहता है कि आप ये दवा कब खाएं। अगर दवा एक ही बार दी जा रही है तो रात में खाना बेहतर रहता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा नींद ज्यादा आती है, व्यक्ति को सुस्ती लगती है। और एक क्वेश्चन ये रहता है क्या इससे सेक्स लाइफ अफेक्ट होती है। तो बिल्कुल कुछ लोगों की हो सकती है, सेक्स की बेसिकली जो इच्छा है वो कम हो जाती है। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है, अगर कोई व्यक्ति जिनको एमीट्रिप्टिलिन स्पेशली डिप्रेशन के लिए लिखी गई है तो सुसाइड करने की कुछ लोगों में इच्छा या अपने आप को चोट पहुंचाने की इच्छा रहती है, अगर इस तरह के लक्षण है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके बताना है। और अगर ज्यादा उम्र के लोग हैं तो बीपीएच रहता है तो हो सकता है कि पेशाब रुक जाए, इस पे ध्यान रखें। हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए उन पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एमीट्रिप्टिलिन टेबलेट के बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए। तो एक दवा जो बहुत सारी बीमारियों में यूज होती है, बहुत कॉमन यूज होती है, तो उसके बारे में जानकारी थी। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा जिनको भी ये दवा चल रही होगी। थैंक यू।